हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये हमारी वीडियो से रिगार्डिंग ही है। क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं पिक्चर्स हम लेते हैं, कहीं ना अदर साइड से पिक्चर्स ले लेते हैं, पर लेकिन उसका बैकग्राउंड रिमूव कहां से करें ये समझ नहीं आता, क्योंकि हमें पीएनजी चाहिए होती है कभी कभी, और हमें जो थंबनेल्स बनाते हैं उसमें पिक्चर्स में पीएनजी चाहिए होती है, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है और प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल है, और इसमें आप अच्छी क्वालिटी की, जो क्वालिटी की आपकी पिक्चर होगी उसी क्वालिटी में आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा, अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद का जो वीडियो है हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको पूरी पूरी मोबाइल स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा। तो गाइज हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं जाता हूँ प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में यहाँ मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इरेजर। जैसे ही मैं बैकग्राउंड इरेजर लिखता हूँ तो ऑलरेडी मैंने यह पर इंस्टॉल कर रखी है अपने मोबाइल में, तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, मैं बैक हो जाता हूँ और ये देखिएगा यहाँ पर अब इंस्टॉल हो चुकी है, मेरी ऑलरेडी थी तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन के बाद मैं यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे तो लोड अ फोटो, तो यहाँ से लोड अ फोटो पे जाएंगे तो ये आपकी गैलरी में आपको पहुँचा देगी। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी इमेज, जैसे कि मैंने ये एक लैंप की इमेज उठाई है, मैं इसको यहाँ डन पे क्लिक करूँगा और इसके मैं दो तीन तरीके से बताऊंगा। जैसे सपोज आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ये मैनुअल वाला सिस्टम है, आप मैनुअल इसको इरेज कर सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ मैनुअल आप इरेज कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि देखिए कि कम से कम आप ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, और इसको कम कर देंगे तो आप बहुत बारीक जगह पर भी जाके कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है एक ऑप्शन आता है मैजिक। मैजिक में क्या है कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे वो उसको बिल्कुल स्मूथली एकदम क्लियरली तरीके से देखिए, एकदम आप देखिएगा बिल्कुल सुपर फाइन तरीके से ये इसको ज़्यादा एरिया को कवर करते हुए रिमूव कर देगा बैकग्राउंड को इस प्रकार से। तो इसी के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑटो कलर का। तो ऑटो कलर में क्या होता है कि आप जिस कलर पे जैसे कि ये रखेंगे बैकग्राउंड पे ये क्लिक हो जाएगा, आप यहाँ जाइएगा ये देखिएगा ये सब ऑटो पे जाइएगा तो ये आपकी बैकग्राउंड कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। बहुत छोटी एप्लीकेशन है पर लेकिन बड़े काम की है हम लोगों के लिए, जो लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं थंबनेल में लगाने के लिए हमें पिक्चर सही होती है पर उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। उसके बाद हम इसको जूम कर सकते हैं, ये देखिएगा जूम करने के बाद अगर हम इसको फिर मैनुअल पे आते हैं, हमको साइज़ को कम करके हम इसको बिल्कुल बारीक तरीके से भी इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ाएँ तो देखिए ये मतलब, और फिर जूम पर जाके इसे कम कीजिएगा, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम इसको डन पे जाएंगे। अब ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, अगर इसको स्मूथली चाहिए हमें बिल्कुल जो कॉर्नर्स में भी आपको वाइट शेडिंग दिख रही है अगर ख़त्म करनी है तो इसके लिए हम 5 पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल गायब हो गई, और इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे और यहाँ से फिनिश। तो गाइज इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बैकग्राउंड रिमूवर बहुत मतलब क्या करते हैं लोग गूगल्स पे जाते हैं, अलग अलग साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पर करते हैं तो इमेज जो है उसकी क्वालिटी घट जाती है, पर लेकिन इसमें इमेज क्वालिटी कोई नहीं घटती, और सबसे बड़ी बात है कि इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ थोड़े एड्स आते हैं, एड्स वैड देने देख लें देख लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ पैसे बच रहे हो। तो गाइज़ इसका इस्तेमाल कीजिए, और ये बहुत छोटी एप्लीकेशन थी मैंने आपको बता दिया, आप जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे फायदे नजर आएंगे, और अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।